जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस जगह इंसान के बॉडी पर मारने के क्या नाम होते हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हेड से गर्दन तक के हिस्से की। इसको कोरियन नेम में उलगुल कहते हैं। गर्दन से सिर तक के बीच में किक करता है तो उसे हम उलगुल चैगी बोलते हैं। अगर कोई पंच करता है तो उसे हम उलगुल जीरोजी कहते हैं। अगर कोई ब्लॉक करता है तो उसे हम उलगुल ब्लॉक कहते हैं। तो ये इसके फॉर्म्स हो गए। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की कि गर्दन से तो कमर से गर्दन तक के हिस्से को हम मोमथोंग बोलते हैं। मोमथोंग पर जब हम किक करते हैं तो उसको कहते हैं मोमथोंग चैगी। अगर हम हैंड से पंच करते हैं तो उसे कहते हैं मोमथोंग जीरोजी। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि किक को कोरिया में चैगी बोलते हैं और पंच को कोरियन में जीरोजी बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर, जिसमें कमर के नीचे का जो भाग होता है यानी पैर का भाग, इसको हम आर्य बोलते हैं। अगर हम नीचे की ओर बंद मारते हैं तो उसे हम आर्य बोलेंगे। अगर हमने नीचे की ओर किक मारी है यानी पैर पे किक मारी तो उसे आर्य चैगी बोलेंगे। अगर नीचे की ओर ब्लॉक किया है तो उसे हम आर्य मखगी बोलेंगे। अगर हमने नीचे पंच मारा है तो उसे हम आर्य जीरोजी बोलेंगे, आर्य जीरोजी। तो अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो, कुछ ऐसा लगा कि हाँ ये तीन जो फॉर्म्स हैं उलगुल, मोमथोंग और जीरोजी, ये तीन फॉर्म अगर आपको समझ में आ जाएंगी तो आप ताइक्वांडो के टेस्ट में पास हो जाएंगे और आपकी बेल्ट ग्रेडिंग हो जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल है तो हमारे इस ताइक्वांडो वॉरियर का चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।